बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। आपने ये है कल से एक वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया के ऊपर। आप भाइयों ने अभी तक ये वीडियो देख ली होगी। मैंने भी आपके साथ रात को ही जब ये वीडियो वायरल की हुई है ट्विटर के ऊपर, तो उसी टाइम मैंने भी आपके साथ ये शेयर कर दी थी। अभी इस बंदे को लेकर बहुत से कमेंट आ रखी है, बहुत सी न्यूज मैं देख रहा हूँ, खासकर टिकटॉक के ऊपर वायरल की जा रही है कि ये बंदा जो इमाम काबा के, अच्छा यहाँ पर मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं, कुछ बंदे बोल रहे हैं कि ये इमाम काबा से मोहब्बत के इजहार के लिए आगे बढ़ रहा था, तो उनके लिए भी इसी वीडियो में मैं सबूत पेश कर दूंगा। मैं इस वीडियो में ये कहूंगा कि ये जो बंदा इमाम काबा को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से लपका है उनकी तरफ, वो बंदा क्या पाकिस्तानी है या इंडियन है या बंगाली है। बहुत सी वीडियो इसके मुतालिक आ रखी हैं, आप भाइयों के साथ इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आप भाई वो वीडियो यहां पर देख लें जो मैंने आपके साथ रात को भी शेयर की है। दोबारा से आप भाइयों को मैं थोड़ी जूम करके यहां पर वही वीडियो दिखा रखा हूं। आप देख रखे होंगे ये वीडियो, देख रहे इसमें आप देख रखे होंगे कि ये कैसे इमाम काबा की तरफ लपका है, बाद में इसको पकड़ा गया है, यानी कि सिक्योरिटी जो गार्ड वहां पर खड़े होते हैं भाई सीआईडी यानी कि सिविल कपड़ों में भी, और पुलिस जो शूटर वगैरह हैं वो भी, उन्होंने इसे पकड़ लिया है। सबसे पहले उन तमाम बंदों के लिए जो ये बोल रहे थे, मैं आपको इस बंदे के मुतालिक भी बता देता हूं कि ये जो ये बोल रहे थे कि मोहब्बत के इजहार के लिए उनकी तरफ बढ़ा है, उनके लिए ये बाई पिक्चर यहां पर मैं चलाकर आपको दिखा रखा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं इस बंदे के हाथ में इसने छड़ी पकड़ी हुई है, लाठी है इसके हाथ में। तो ये इमाम काबा को कोई भी किसी भी किसी किस्म का यानी के नुकसान पहुंचा सकता था, इसको भाई पकड़ लिया गया है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बंदे ये बोल रखे हैं कि ये बंदा पाकिस्तानी है या इंडियन है या भाई बंगाली है, तो उन तमाम बंदों के लिए भाई यही मेरी अभी तक की न्यूज है, यही मेरी अपडेट है, क्योंकि सऊदी ट्विटर के ऊपर सऊदी मीडिया के ऊपर अभी तक की लेटेस्ट अपडेट यही आ रखी है कि ये बंदा अभी तक ना तो पाकिस्तानी है ना इंडियन है ना बंगाली है। इसके मतलब कोई भी किसी किस्म का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, यानी कि इसको भाई एकदम से गायब कर दिया गया है, ना तो इसकी शहरियत अभी तक बताई गई है कि ये बंदा किस मुल्क का है, किस कंट्री का है, इसका नाम वगैरह क्या है, ये हमला क्यों कर रहा था, सिर्फ वीडियो देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं आप भाई भी। तो ये भाई इसके मतलब अभी तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रखी थी, इसके मतलब जैसे ही कंट्री वगैरह का नाम भी लिया जाएगा वो भी आपके साथ मैं वक्तन फक्तन शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।